फिर से यहाँ पे लिंक से मैं लाइव आया हूँ। हेलो, हेलो। हाँ आवाज आ रही है क्या? अभी बताइए मुझे, हाँ आवाज आ रही है क्या? ये माइक का कभी कभी इश्यू हो जाता है ड्यू टू द कनेक्शन। एक बार सभी को मैं शेयर कर लेता हूँ। आवाज ये तो क्या क्लियर आता है? एकदम सांगा, आवाज क्लियर आ रही है क्या? बताइए अभी। गुड मॉर्निंग सभी को। आवाज क्लियर ये तो एक सांगा। ठीक है, सो टुडे हमें देखना है। अभी बताइए मुझे। हेलो। ठीक है, तो आज इस क्लास में हम देखने वाले हैं दी नेशनल इंटरनेशनल। यस, ये तो प्लीज शेयर टू ऑल। आप सभी आपके ग्रुप में एक बार शेयर कीजिए। आपका अगर टेलीग्राम ग्रुप है तो वहां पे भी एक बार शेयर कीजिए। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपको एक मार्क दे सकता है जीके में। ठीक है, तो जीके स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम में बहुत बार जीके होता है एंड दी सेंट्रल के सिपाही फार्मा, तो स्पेशली दिस पॉइंट इज मेंशन इन द सिलेबस। ओके, सिपाही फार्मा में तो ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट मेंशन किया है। सो वन क्वेश्चन आस्क इन द एग्जाम। ओके, जो नए लोग हैं वो सब्सक्राइब कीजिए और जो लोग ज्वाइन है आप अपने ग्रुप में शेयर कीजिए ये इंफॉर्मेशन। ठीक है, देखिए उत्साह तभी बढ़ता है जब मैक्सिमम लोग आते हैं। देखिए मैं 2-3 दिन से ट्राई कर रहा हूँ, मैं लाइव आ रहा हूँ आपके लिए, कुछ कर रहा हूँ, तो आपका काम है सभी को शेयर करना। तो देखिए इंटरनेशनल एंड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन हम देखने वाले हैं फार्मेसी के रिलेटेड। इसके हमें क्या देखना है, तो ये देखना है कि इसका शॉर्ट फॉर्म वगैरह कुछ है तो वो, देन इसका फॉर्मेशन कब हुआ है उस ऑर्गेनाइजेशन का। ओके, फॉर्मेशन ईयर कब वो फॉर्म हुई है। ओके, एंड उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो ये चीजें हमें क्या करनी है इसके बारे में, जानकारी क्या करनी है इसके बारे में लेनी है। ठीक है, एक बार मैं ग्रुप पे शेयर कर देता हूं। ठीक है, आवाज अभी क्लियर है, कोई इशू नहीं है। तो इंटरनेशनल एंड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम में एक क्वेश्चन आपका फिक्स हो सकता है इससे। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स यहां पर इंटरनेशनल और नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, तो पहले क्या करेंगे हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे जो हमारे एग्जाम को यूजफुल है। तो पहले हमारी ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज WTO। ओके, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जागतिक व्यापार संगठन। इसे क्या कहा जाता है, जागतिक व्यापार संगठन, जो इंटरनेशनल ट्रेड्स में क्या करता है, ये इंटरनेशनल ट्रेड्स में क्या करता है, ये काम करता है। इसका फॉर्मेशन कब हुआ है? ठीक है, 1 जनवरी 1995 को क्या हुआ है इसका फॉर्मेशन। नोटबुक लेके बैठिए और नोटबुक में क्या कीजिए आप, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, नोटबुक में क्या कीजिए आप, नोट डाउन। ठीक है, नोटबुक में क्या कीजिए आप, नोट डाउन।
कर लीजिए। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मेशन कब हुआ इसका? 1 जनवरी को इसका क्या हुआ है, उसका फॉर्मेशन। इसके टोटल मेंबर्स, ठीक है, टोटल मेंबर कितने हैं? 164 टोटल इसके मेंबर्स है। और इसका हेडक्वार्टर, हेडक्वार्टर में लिखता हूं मैं HQ, ओके। तो इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, ठीक है, जिनेवा स्विट्जरलैंड, उसका क्या है हेडक्वार्टर, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन आपको क्या रहेगी एग्जाम में, इसी के ऊपर उन्हें महानगर पालिकेचे फॉर्म येतील, लवकरच येतील, आले की हे करू सर, ते स्लो मोड बंद केलं तर बघ। ते स्लो मोड सेटिंग मध्येच करावं लागेल, आता इथं ऑप्शन नाही आहे माझ्याकडे। ठीक आहे, पुणे महानगरपालिकेचे फॉर्म आल्याच्या नंतर व्हिडिओ त्याच्यावरती मी बनवेल, ठीक आहे। तर हे काय वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनायझेशन विषयी हे झाले। त्याच्यानंतर नंबर 2 IMF, काय IMF, ओके। IMF म्हणजे काय, व्हॉट डू यू मीन बाय IMF? दॅट इज दी इंटरनॅशनल, आपको लॉन्ग फॉर्म भी आ सकता है आर्मी के एग्जाम में, ठीक है, लॉन्ग फॉर्म भी आ सकता है आपको आर्मी के एग्जाम में। इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड, स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम में भी आ सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन, आपको कुछ महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन मालूम होना जरूरी है, ठीक है। IMF यानी इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड, इसका फॉर्मेशन कब हुआ है? 27 दिसंबर 1945। ये क्या करता है, फंड प्रोवाइड करता है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन को। टोटल मेंबर इसके है 190, इतने कंट्रीज क्या है उसके मेंबर्स है। और इसका हेड हेडक्वार्टर है Washington DC US में, यूनाइटेड स्टेट्स, ओके। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वहां पे है। तो इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड ध्यान में रखिए, जो देश कर्ज बाजारी हो जाते हैं, ठीक है, तो उस देश को क्या करते हैं, ये फंडिंग वगैरह करते हैं। भारत को भी इसने फंडिंग किया था 2008 में, 1991 में, ठीक है, लिबरलाइजेशन जब हमने स्वीकार किया था LPG, तो एट दैट टाइम इसने हमें फंडिंग किया था, ठीक है। फीस अभी 10%, मैंने 20% पहले ऑफ की थी, उनको स्पेशली बोला था 20% ऑफ करने के लिए, लेकिन आपने तब टाइम वो नहीं ली। आप 10% ऑफ है, आप फीस कम है, तो वो 4-5 दिन में वो भी वो बढ़ा सकते हैं फीस, क्योंकि उनको एनरोलमेंट आ रहे हैं, उनको स्टूडेंट्स मैक्सिमम आ रहे हैं, तो फीस वो इंक्रीज भी कर सकते हैं, वो पॉलिसी रहता है उनका, ठीक है। तो अभी आप ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और वहां पे कोड डालिए आप नितेश सर 10, वहां पे कोड डालिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अभी फीस कम है तो अभी ज्वाइन कीजिए, वो फीस कभी बढ़ाते, मेरे हाथ में नहीं है फीस का, ठीक है, फीस का मेरे हाथ में नहीं है, अभी है तो आप वहां पे परचेस कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ये हो गया IMF। देन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, देखिए जितने आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, फार्मासिस्ट की कर रहे हैं, यूट्यूब को फॉलो कीजिए, वहां पे मैं वीडियो आता हूं, और मैं जेन्युइन वीडियो लेके आता हूं, ऐसा नहीं कि इतना बता रहा हूं घुमा फिरा के, ओके, इंपॉर्टेंट चीजें ही बोलता हूं। वर्ल्ड हेल्थ ओके ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, इसका जो फॉर्मेशन है 7 अप्रैल 1948 को, तभी से हम क्या बनाते हैं 7 अप्रैल को हेल्थ डे, ओके, हेल्थ डे क्या करते हैं 7 अप्रैल को हम हेल्थ डे तभी से बनाते हैं, ठीक है। इसका जो हेडक्वार्टर है जिनेवा, ठीक है, जिनेवा को है, दैट इज स्विट्जरलैंड, SW लिखता हूं, स्विट्जरलैंड में, जिनेवा में
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर। देन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है यूएन, दैट इज यूनाइटेड नेशंस। इसका फॉर्मेशन हुआ है 24 अक्टूबर 1944। इतनी ही चीजें ध्यान में रखिए, इससे ज्यादा चीजें होगी तो कंफ्यूजन भी आपका बढ़ सकता है, ठीक है। तो हमारे लिए इतनी ही। हेडक्वार्टर, इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, हेडक्वार्टर कहा है न्यूयॉर्क में है, ठीक है। देन उसके आगे की इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ओके, यूनिसेफ, UNICEF, ओके, ये बहुत देशों को फंडिंग करती है, बहुत से एनजीओस को भी ये फंडिंग करती है, ठीक है। इसका लॉन्ग फॉर्म भी मालूम होना जरूरी है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का जो शॉर्ट फॉर्म है उसका लॉन्ग फॉर्म भी आपको कभी कभी एग्जाम में पूछ सकते हैं, ठीक है। दैट इज यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल इंटरनेशनल चिल्ड्रंस एमरजेंसी फंड, ये लॉन्ग फॉर्म मालूम होना जरूरी है, एमरजेंसी फंड, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन एमरजेंसी फंड, ठीक है। ये क्या है, एक चिल्ड्रन के हेल्थ के लिए, उनके सेफ्टी के लिए ये क्या करता है, फंड्स प्रोवाइड, ओके, चाइल्ड फंड, राइट, चाइल्ड फंड भी कहते हैं उसे। उसका फॉर्मेशन हुआ था 11 दिसंबर 1946, ओके। इसके टोटल 192 मेंबर है और इसका हेडक्वार्टर जो है वो है न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट में, न्यूयॉर्क में क्या है इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। सिपाही फार्मा का मैंने उनके साथ एग्रीमेंट किया है तो मुझे बैच वहीं पे लेना पड़ेगा, जो चीज का एग्रीमेंट नहीं है तो कर नहीं सकता मैं वो, ठीक है। मैंने उनके साथ एग्रीमेंट किया है तो वो कंटेंट वहां पे लेना पड़ेगा, थोड़ा बहुत कंटेंट मैं यहाँ पे दे दूंगा सिपाही फार्मा का, ठीक है। देन UNESCO, यूनेस्को, फीस कम है वैसे अगर देखा जाए तो, ठीक है। आपको ऑफलाइन कोचिंग में कितनी फीस लेते हैं, ऑफलाइन कोचिंग में बहुत फीस है, ठीक है, ऑनलाइन में थोड़ी सी कम है। यूनेस्को, दैट इज दी यूनाइटेड, देखिए आपको जॉब लगने के बाद, आप क्या, आपको जॉब लगने के बाद, देखिए कोई भी टीचर है, कोई एक एकाधिक क्लासेस है, कोई भी है, तो वो क्या करता है, उनके हिसाब से उनका भी बेनिफिट हो, लेकिन कंपटीशन के हिसाब से भी उसे फीस रखना होता है। ऐसा नहीं कि आपको जॉब लगने के बाद थोड़ी वो आपको, आप बोलने वाले हो कि ये मेरा पेमेंट ले लो, तो वो तो कंडीशन है, तो कंपटीशन के हिसाब से कोई भी क्या करेगा, फीस रखेगा, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता रहा हूं, यही सिपाही फार्मा के लिए है, ठीक है। ये क्या है, यूनेस्को का लॉन्ग फॉर्म है, ठीक है। दैट इज ZP ला सुधा महत्वाचा आहे, ठीक है, ZP ला सुधा महत्वाचा आहे, नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। झेडपी साठी फास्ट ट्रैक बैच आणि टेस्ट सीरीज ऐड पडली की त्या दिवशी टेस्ट सीरीज आणि फास्ट ट्रैक बैच दोन्ही पण चालू करणार आहे आपण, कॉम्पिटिटिव फार्मा ह्या ऍप्लिकेशन वरती, ठीक आहे, मराठी मधून, मराठी में चालू करेंगे वो। हेडक्वार्टर महाराष्ट्र की जब वो आईगेड, हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस मध्ये, ठीक आहे, वहां पे क्या है, यूनेस्को का एक वर्ल्ड हेरिटेज रिलेटेड है ये, ठीक आहे, हेरिटेज रिलेटेड है ये। देन ब्रिक्स, ओके, ब्रिक्स, ब्रिक्स का देखिए लॉन्ग फॉर्म, ये इंपॉर्टेंट है, ब्राजील, कौन से देश आते हैं, टोटल 5 कंट्रीज है ब्रिक्स के अंदर, ब्राजील,
रशिया, इंडिया, ठीक है, बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना एंड यस फॉर साउथ अफ्रीका, यस फॉर साउथ अफ्रीका। इसका फॉर्मेशन हुआ है 1 सितंबर 6, और इसका मीटिंग जो हुआ है 2006 को पहला हुआ है, लेकिन मीटिंग जो है उसका फर्स्ट मीटिंग 16 जून 2009 को क्या हुआ, इसका फर्स्ट मीटिंग हुआ है, फर्स्ट मीटिंग उनका रशिया में हुआ था। तो ब्रिक्स एक ध्यान में रखिए, राइट, ओके, ब्रिक्स एक ध्यान में रखिए आप। देन ब्रिक्स के बाद वर्ल्ड बैंक, आपको जब ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तब मेरी ध्यान आएगी आपको, यार सर ने बताया था, हमने नोटबुक नहीं लिखी, कंटेंट फ्री था इसलिए इसका इंपॉर्टेंस नहीं था हमें, क्योंकि हम नोटबुक में नोट डाउन नहीं किए थे, क्या यार फ्री है यूट्यूब पे, क्या लिखने का है, लेकिन एग्जाम में आएगा ना तब पता चलेगा ये, ठीक है। वर्ल्ड बैंक की फॉर्मेशन 1944, ठीक है, दिसंबर 1944, और उसका हेडक्वार्टर है, ये भी फंडिंग करता है अलग अलग देशों को, वॉशिंगटन डीसी, जितने फंडिंग वाले हैं वो सब अमेरिका के पास में है, वहां पे उनका हेडक्वार्टर है जितने फंडिंग वाले हैं। देन इंटरनेशनल ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका स्थापना है 11 अप्रैल 1919, और उसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, ओके, कहां पे है इसका हेडक्वार्टर, जिनेवा को है, ठीक है, हेडक्वार्टर कहां पे इसका, राइट, जिनेवा को है। देन ओके, देन अभी इंटरनेशनल देख रहे हैं, अभी जो भारत में समिट हो रहा है G20, पावरफुल 20 देश है इसके अंदर, ठीक है, G20 समिट, ये जो G20 है अभी 2023 में कहां पे हो रहा है, अभी ये अभी संभाजीनगर में आए हैं, औरंगाबाद, संभाजीनगर, औरंगाबाद का अभी नामकरण किया है, और उस्मानाबाद का धाराशिव, ठीक है, अभी न्यूज में चल रहा है ये। तो 2023 की जो समिट है इसकी मीटिंग जो है, ठीक है, कहां पे है 2023 की, हमारे न्यू दिल्ली में है, उसके डेलीगेट्स अभी औरंगाबाद आए हैं, संभाजीनगर, उसके डेलीगेट्स अभी संभाजीनगर को आए हैं, छत्रपति संभाजीनगर। देखिए संभाजीनगर नाम हमने कर लिया, लेकिन हमें हमेशा उस नाम के साथ छत्रपति बोलना चाहिए, ठीक है क्या नहीं, छत्रपति संभाजीनगर ऐसा बोलना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कुछ दिनों के बाद इनिशियली छत्रपति संभाजीनगर वो आप ये हो गया, छत्रपति संभाजीनगर, छत्रपति संभाजीनगर ऐसा बोला तो वो ध्यान में आया रहेगा, लेकिन क्या होने वाला है बाद में, संभाजीनगर होने वाला है, डायरेक्टली संभाजीनगर, संभाजीनगर होने वाला है, वो रिस्पेक्ट जो है ना वो नाम से खत्म हो सकता है, ठीक है, वो नाम छत्रपति लगा, और देखिए नाम लगा लिया और अंदर काम भी अच्छे होने चाहिए, चोरी नहीं होनी चाहिए, कोई रेप केसेस नहीं होने चाहिए, नाम हमारा छत्रपति संभाजीनगर है, ये हमें ध्यान रखना चाहिए, तो हमें बहुत अच्छी तरह से वहां पे क्या होना चाहिए, ओके, रहना चाहिए। तो न्यू दिल्ली है, उसके डेलीगेट्स अभी औरंगाबाद आए हैं, ओके, नाम हमारा है। तो और इसका मोटो देखिए, इस समिट भारत में वो समिट हो रही है, तो भारत पूरे देश को जोड़ता है, पूरे वर्ल्ड को जोड़ता है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड को क्या जोड़ता है, भारत जोड़ता है, इसलिए इसका मोटो है वन अर्थ एक पृथ्वी, वन अर्थ वन फैमिली, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, इतना अच्छा मोटो है देखिए, वसुदेव कुटुंबकम, उसे हम क्या कहते हैं, वसुदेव कुटुंबकम कहते हैं, ठीक है, ये इस परिषद का क्या है, मोटो है, ठीक है। इसकी जो स्थापना है G20 की, 26 सितंबर 1990 स्थापना हुई थी G20 परिषद की, ठीक है। तो ये सब आपके क्या है, ये सब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो गए, ओके।
अब देखिए कुछ नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, हमारे देश के कुछ महत्वपूर्ण संस्थाएं, उसके बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं, ठीक है। तो देखिए नीति आयोग, नीति आयोग, इसका लॉन्ग फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नाम है। ये एक थिंक टैंक है, ये क्या है, एक थिंक टैंक है, ठीक है। मींस ये क्या करता है, डिफरेंट स्कीम के ऊपर काम करता है और आपने सुझाव देता है, ठीक है। प्लानिंग कमीशन जो था ये किसके बदौलत आया है, इससे पहले क्या था, प्लानिंग कमीशन काम करता था, ठीक है, प्लानिंग कमीशन काम करता था, तो उसको हटा के मोदी गवर्नमेंट ने क्या किया है, इसको हटा के ये नीति आयोग की क्या की है उन्होंने, उसको हटा के नीति आयोग की क्या की है उन्होंने, स्थापना की है। ठीक है, तो देखिए नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था, 1 जनवरी 2015 को क्या होता, नीति आयोग का स्थापना, और इसका हेडक्वार्टर था न्यू दिल्ली, इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली, ठीक है, ये नीति आयोग है। देन आरबीआई, दैट इज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंकों की बैंक, आरबीआई किसकी बैंक होती है, बैंकों की बैंक और गवर्नमेंट की बैंक, किसे कहते हैं, आरबीआई को कहते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935, अंग्रेजों के जमाने से है ये, और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, आपली मुंबई, ठीक है, मुंबई क्या है इसका हेडक्वार्टर है। रेलवे फार्मासिस्ट से अपडेट आले और आपण सांगू, सध्या तरी काही नाही आहे त्याचा अपडेट, यायला पाहिजे। देन डीआरडीओ, ठीक आहे, डीआरडीओ मीन्स डिफेन्स, डिफेन्स रिसर्च, डिफेन्स रिसर्च, सिपाही फार्मा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब, और झेडपी और अदर भी एग्जाम के लिए, ठीक है, जीके में ये पॉइंट करना ही पड़ता है आपको। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसकी जो स्थापना है 1958 को हुई है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली, हेडक्वार्टर कहां पे है, न्यू दिल्ली में है। देन इसरो, ओके, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो, ठीक है, इसरो की जो हेडक्वार्टर है वो है बेंगलोर को, ठीक है, कर्नाटका में, और इसकी स्थापना फॉर्मेशन हुआ है 15 अगस्त 1969 को, ठीक है, इसकी फॉर्मेशन कब हुई है, 15 अगस्त, ठीक है, इसरो का। देन अच्छा डिफरेंट संस्थाएं जितने हैं उतने वो ध्यान में रखने का प्रयास कीजिए, नेशनल ह्यूमन राइट December 10 जो है यो ह्यूमन राइट्स डे है, ह्यूमन राइट डे, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ इंडिया, ओके, इसकी स्थापना 12 अक्टूबर
93 और इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली, ओके, न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली क्या है, इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे भारत के कुछ संस्था है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट संस्था मैं यहाँ पे बताता हूं, देखिए हमारे ड्रग के रिलेटेड है CDSCO, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ओके, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। इसका एस्टैब्लिशमेंट 1945 को हुआ है और इसका हेडक्वार्टर जो है वो क्या है, दिल्ली को है। देखिए जैसे यूएस का यूएस एफडीए है, ठीक है, यूएस एफडीए है वैसे ही भारत के लिए कौन सा है, सीडिस्को है। भारत के लिए कौन सा है, सीडिस्को है, ठीक है। सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन मीन्स भारत में ड्रग की जो मान्यता है, ओके, वो भारत की जो मान्यता है ड्रग का जो फाइनल भारत में करना होता है वो कौन देगा, फिर सीडीएस को देगा, ठीक है। वन बाय वन लेंगे सब। देन नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई है 1992 को और इसका हेडक्वार्टर जो है वो है न्यू दिल्ली को क्या है, एड्स के अवेयरनेस और कंट्रोल के लिए, ठीक है, एड्स के अवेयरनेस और कंट्रोल के लिए ये है। देन फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया PCI, यानी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया PCI, इसका फॉर्मेशन हुआ है 9 नवंबर 1949 को, क्या हुआ इसका फॉर्मेशन, और हेडक्वार्टर आपको मालूम है कहाँ है इसका, न्यू दिल्ली, ठीक है, न्यू दिल्ली में क्या है इसका हेडक्वार्टर। ये सब नोट्स में नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि बाद में आप वीडियो नहीं देखने वाले, ठीक है, बाद में वीडियो रिपीट नहीं देखते बार बार आदमी, ठीक है। AICTE, ठीक है, इसका है, ये पूछा गया है एग्जाम को, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल, ये लॉन्ग फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है टेक्निकल, क्योंकि ये देश के लिए इंपॉर्टेंट संस्था है इसलिए, ठीक है, टेक्निकल एजुकेशन, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, AICTE की स्थापना 1945 है, हेडक्वार्टर जो है वो दिल्ली है, ठीक है, वो क्या है, दिल्ली है। देन देन इंपॉर्टेंट संस्था है नेशनल NBRC, दैट इज द नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, ओके, जो ब्रेन के लिए न्यूरोलॉजिकल स्टडी होता है, यहाँ पे क्या होता है, न्यूरोलॉजिकल स्टडीज क्या होता है, वहां पे होता है नेशनल ब्रेन रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसकी स्थापना 1997 को हुई है, ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर जो है हरियाणा में है, दैट इज दी मनुसर, इसका क्या है, हेडक्वार्टर है, ठीक है, ये ध्यान में रखिए इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, ठीक है। और इंपॉर्टेंट बहुत सारी संस्था है, ठीक है, नेशनल
केमिकल नेशनल केमिकल लेबोरेटरी ओके एनसीएल ओके, इसका स्थापना 1950 और इसका हेडक्वार्टर है पुणे ओके, इसका हेडक्वार्टर कहां पे है पुणे में है ठीक है। देन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी कहां पे है एनआईवी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ठीक है, इसका स्थापना 1952 को, इसका हेडक्वार्टर भी पुणे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। देन नेशनल इंस्टीट्यूट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा इसका स्थापना हुआ है 7 फेब 1976 को और इसका हेडक्वार्टर है राजस्थान में जयपुर ठीक है। जयपुर क्या है इसका हेडक्वार्टर है जयपुर ठीक है। ये आपको सभी संस्था नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट संस्था यहां पे बता रहा हूं मैं। हमारा नाइपर ठीक है फार्मास्यूटिकल, जैसे आईआईटी है वैसे नाइपर है फार्मेसी के लिए। नेशनल इंस्टीट्यूट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, लॉन्ग फॉर्म में मालूम रखिए एजुकेशन एंड रिसर्च ओके। ये नाइपर का स्थापना है 1998 को ठीक है। इसका हेडक्वार्टर जो है वो है मोहाली ठीक है। मोहाली क्या है, डिफरेंट कोर्सेस वगैरह यहाँ पे रन किए जाते हैं रिलेटेड टू द फार्मेसी, एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है फार्मा का। देन नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर रिसर्च सेंटर फॉर सिट्रस ओके, सिट्रस फ्रूट के रिलेटेड रिसर्च सेंटर है। ये कहां पे होगा फिर, नागपुर, बिकॉज ऑरेंज सिटी है। नागपुर क्या है, ऑरेंज सिटी है, वहां पे क्या है सिट्रस है। इसकी स्थापना 1985 को वहां पे हुई थी ठीक है। देन आर इंपॉर्टेंट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन हैदराबाद को है, ये नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर न्यूट्रिशन ये कहां पे है, हैदराबाद में ये स्थित है संस्था और इसका जो हेडक्वार्टर है हेडक्वार्टर हैदराबाद है और ये 1918 की ये संस्था है ठीक है। हेडक्वार्टर क्या है इसका, हैदराबाद है। तो ऐसे डिफरेंट संस्था नेशनल और इंटरनेशनल ओके, यहां पे मैंने आपको क्या किए है बताए है ठीक है। तो ये नोट डाउन कर लीजिए, प्रीवियस एक लेक्चर में क्यों नेक्स्ट लेक्चर में मैं डेज बताऊंगा इंपॉर्टेंट जो वो भी एग्जाम को क्या रहेंगे आपको यूजफुल रहेंगे। सभी को ये वीडियो एक बार शेयर कीजिए ठीक है। रुकते हैं हम यहीं पे, थैंक यू। सब्सक्राइब कॉम्पिटेटिव फार्मा और जिनको बैच लेनी है डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है।